सो जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने एंजल वन डीमेट अकाउंट में किस प्रकार से नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है तो एक समय पर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ये चीज सो आपको जानकारी होगी ही, अगर नहीं है तो आपको हो गई होगी अब। तो इस वीडियो में हम सिंपल जानेंगे कि एंजल में नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं और नॉमिनी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। वीडियो भी 4-5-6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, तो बिना स्किप किए हुए 1-2 मिनट अगर ज्यादा हो जाता है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को एक बोनस टिप भी देने वाले हैं। तो लाइव डेमो होने वाली है ये नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो स्पेशल वीडियो सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। चलते हैं हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको सिंपल यहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट लॉगिन करना होगा आपके गूगल क्रोम पे, वो भी डेस्कटॉप पे। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आप अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में ऑन करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। अभी तक मुझे नहीं मिला है कि एंजल वन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है तो इसमें आपको नॉमिनी ऐड करने का कोई ऑप्शन है मोबाइल के थ्रू। अगर आगे आता तो अलग की बात है, फिलहाल अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला। ये आपको डेस्कटॉप पर ही करना पड़ेगा। अगर नहीं आपके पास डेस्कटॉप तो आप सिंपल डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे अपना फोन क्रोम पे जाके और इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा होगा। आई होप आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको होम, वॉचलिस्ट और तमाम प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही अकाउंट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका अकाउंट वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। माई अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे माय अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके खाते में शो हो रही होंगी। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। कि जैसे प्रोफाइल वाला सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड अबाउट अस। तो हमें सिंपल प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने आपकी हमारी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। मैंने बताया कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे हाइड करके रखी है, तो हमारी ये प्रोफाइल खुल के आ जाती है। इस प्रोफाइल को भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो हमें हमारे सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन दृष्टव्य होंगी। मतलब हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है, विल व्यू ऑल कैटेगरीज डिटेल्स अबाउट नॉमिनी एंड मोर। तो सिंपल इसी पे हमें क्लिक करना है, ना लोकेशन पे क्लिक करना, ना पैन नंबर पे, ना बैंक डिटेल पे। ठीक है, तो सिंपल डिटेल अबाउट नॉमिनी एंड मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ और एक न्यू विंडो पे लिख के आएगा, पॉपअप विंडो नहीं होगी, ये न्यू टैब पे कुल मिला के आ जाएगा। ये न्यू टैब हमारे सामने ओपन हो गया है, आप देख रहे हैं। तो न्यू टैब पे आपको ई मॉडिफिकेशन करके व्यू ऑल कैटेगरीज वाले में नॉमिनी का सेक्शन इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां पे अगर आपका नॉमिनी एड है तो यहाँ पे दिख रहा होगा, अदरवाइज नहीं ऐड है तो यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा होगा। ठीक है, नॉमिनी वाला सेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐड नॉमिनी, मतलब नॉमिनी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है नो रिकॉर्ड फॉर नॉमिनी, नॉमिनी का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐड नॉमिनी वाले बटन पे क्लिक करके आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं ये चीज यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। द टोटल शेयर परसेंटेज ऑफ ऑल नॉमिनीज शुड ऑलवेज बी 100% 100%। एंड सेकंड पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 3 नॉमिनी एडिशनल एडिशंस आर अलाउड, मतलब मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका जो देखिए चीजों को समझ लीजिएगा, स्किप करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 1-2 मिनट यहाँ पे हम डीप तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि यहाँ पे अगर बिगिनर से बिगिनर बंदा हो तो वो यहाँ पे सीख के जाए, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। अपने माता जी को ऐड कर सकते हैं, पिताजी को ऐड कर सकते हैं, बेटे को ऐड कर सकते हैं, वाइफ को ऐड कर सकते हैं। अभी ऑप्शन आएंगे किस किस को आप ऐड कर सकते हैं, दोस्त को भी कर सकते हैं, किस किस को ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 लोग को ऐड कर सकते हैं जो 100% शेयर का हकदार
होगा, अगर 100% शेयर एक किसी को देना चाहते हैं तो आप किसी एक नॉमिनी को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर तीन को ऐड करेंगे तो किसी को आप 20% का शेयर देना चाहते हैं अपने जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं उनका, या फिर किसी को 50% देना चाहते हैं, तो परसेंटेज वाइज नॉमिनी जो है कितना हकदार होगा उसके अकॉर्डिंग अभी आगे डालने के लिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपकी मिसेज है या फिर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके माता पिता हैं तो उनके नाम, या फिर आपका बेटा है तो उनके नाम, सिंपल किसी एक के नाम जो ट्रस्टेड हो, आपको लगे कि हाँ ठीक है हमारी हमारे काम की चीज है जिसे हम नॉमिनी ऐड देना चाहते हैं, नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, उसे 100% का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे भी चाहें तो 50-50% करके दो लोग को दे सकते हैं, या फिर 30-30% करके तीन लोग को, या 40-30-30 करके, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस में हम चलते हैं, ऐड नॉमिनी वाले बटन पे हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऐड नॉमिनी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के लिए ये कुछ डिटेल्स मांगेगा नॉमिनी के लिए, जिसमें हमारा नॉमिनी नेम कंपलसरी है, इसे डालना ही डालना है। नॉमिनी का जो आधार कार्ड में नाम होगा, ध्यान रहे, वो यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कंपलसरी है, वो डालनी है जो आधार कार्ड पे हो। पैन नंबर क्या है, बहुत कंपलसरी है, पैन नंबर नॉमिनी का डालना है। शेयर परसेंटेज, अगर आप दो लोग को करना चाहते हैं तो इस नॉमिनी को कितना परसेंटेज शेयर आप देना चाहते हैं, 50% या फिर 30%, 10% या फिर 100%, जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आप एक ही नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज का निशान नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। 100 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, जो कुछ भी हो, अगर आप एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो 100 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे आपको क्या दिख रहा है, नॉमिनी नॉमिनी रिलेशनशिप, आपका क्या रिलेशन है नॉमिनी से। अगर मिसेज है, वाइफ है, स्पाउस में क्लिक करेंगे, मदर है तो मदर में क्लिक करेंगे, फादर है फादर पे, ब्रदर है ब्रदर पे, या सिस्टर है सिस्टर पे, या फिर अदर पे, ठीक है। फ्रेंड्स वगैरह है तो अदर पे, ठीक है। अब सबमिट ई साइन पे इतना सब कुछ क्लिक करने के बाद में सबमिट ई साइन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ई साइन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ई साइन करने के लिए एक NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पे ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे दो चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिक करना, ठीक है। एक तो ये टिक मार्क करना, यहाँ पे टिक मार्क नहीं होगा, हाई हेयर बाय ऑथराइज पर्सन करके यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनी का आधार कार्ड डालने के बाद में क्या करना है, सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने एक ओटीपी आएगी, जो हमारा आधार कार्ड है उस पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा है उस पे एक आएगा, क्या बोलते हैं, ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने ऐसी पॉपअप विंडो खुल के आएगी। पॉपअप क्या आएगी, ऐसी विंडो खुल के आएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वी हैव रिसीव योर नॉमिनी एडिशन रिक्वेस्ट, अवर टीम इज रिव्यूइंग इट। हमारी टीम जो है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से, ये NSDL की तरफ से कहा गया है कि हमारी टीम जो है आपको रिव्यू करेगी और एंड देन उसके बाद में अप्रूव कर देगी। इट विल टेक अप टू 2 days टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। आपने जो रिक्वेस्ट डाली हुई है इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 2 working days की बात की गई है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, वी विल नोटिफाई यू ऑफ एनी अपडेट्स वाया ईमेल या SMS। अगर कोई अपडेट होती है तो आपको ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू डिटेल मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप support@angel1.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे जो है इस नंबर को, ये हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है चीजें आप सभी के समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर से कॉमेंट्स करेंगे, विद इन आवर समाप्त हुई के कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। अदरवाइज दोस्तों, एक बोनस टिप जो मैं देने वाला था आप सभी को, यही देने वाला था कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग सेशन कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस चीज का लोग पैसा लेते हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम पे। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक चीज ध्यान रहे, मैं आप सभी से किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। अगर मेरे नाम से आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो उसे पैसे कतई मत देना, क्योंकि मेरे नाम से तमाम सारे फेक चैनल्स भी बने हैं,
व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप से भी कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करेंगे तो विद इन आवर समाप्त होगी। कमेंट का वैलिड क्वेश्चन होता है तो मैं रिप्लाई भी दे ही देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही शिक्षा पर वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।